राम राम दोस्तों, मैं पंकज राजस्थानी। जो आपको बोला था क्यू एन ए वीडियो आई, क्वेश्चन एंड आंसर, जो जो आपके क्वेश्चंस थे मैंने सारे देखे हैं, सभी का मैंने भी हाँ जितने हो सके उतने मैं आज रिप्लाई कर दूंगा। जो कुछ बाकी रह जाए वो अगली वीडियो में करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप और भी पूछ सकते हो, नो इश्यू। जो आपका है आप इंस्टाग्राम में लिंक में देता रहता हूँ, आप देख सकते हो, उसके अंदर कर सकते हो, कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं वीडियो आज की। मेरा परिचय जी, मेरा नाम पंकज न्योल है, मैं हूं जी राजस्थान का रहने वाला। मेरा जिला हनुमानगढ़ है, तहसील भादरा है, एक छोटा सा गांव है मेरा मलखेड़ा, जो भाई मैप में तो आता है बिल्कुल बॉर्डर पे है, हरियाणा हमारे से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है, बिल्कुल बॉर्डर पे गांव है जी मेरा राजस्थान में। तो ये तो हो गया जी मेरा, जो भाई लोग जितने भी पूछते हैं आप कहां से हो, तो ये जी मैं यहां से हूं, मलखेड़ा गांव है जी मेरा। अच्छा, दूसरी चीज है, मैं ऑस्ट्रेलिया में कहां पे रहता हूँ, ये भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अभी आप कहां रहते हो भाई साहब? जी मैं रहता हूँ मेलबर्न में। मेलबर्न में एक सबर्ब है कैनबरा कह रहा हूं मैं, अपने क्रेनबर्न में रहता हूँ जी। अच्छा, इसके बाद में अब कई बंदे ये पूछ रहे हैं भाई आप में आपका 12th में सब्जेक्ट क्या था। जी मेरे पास आर्ट्स थी, बिल्कुल आर्ट वाला बंदा हूं भाई, मेरे परसेंट तो ठीक थे, 80-85% थे मेरे दोस्तों 12th में। आर्ट्स था, उसके अंदर मेरे पास पॉलिटिकल साइंस थी, ज्योग्राफी थी और फिजिकल एजुकेशन थी, हिंदी और इंग्लिश थी, ये सब्जेक्ट्स थे। ये जी इसका क्वेश्चन हो गया। अच्छा जी, अब जो सबसे मेन क्वेश्चन, जो मतलब मैंने देखा है अभी 30-40% लोगों ने सेम क्वेश्चन पूछ रखे हैं, पहले भी पूछे हैं अब भी पूछे हैं, वो है जी कोई एजेंट बताओ। यारो दोस्तों, सबसे जरूरी चीज होते हैं एजेंट, सभी बराबर ही होते हैं यारो, किसी का मैं आपको यूं कह दूं भाई हाँ इस बंदे से काम करवा लो, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात हो जाए भी हाँ वो काम न हो, या भाई भगवान न करे किसी का रिफ्यूजल आए, किसी का आ गया तो आप मेरे को बोलो यार पंकज भाई आपने बताया था, मेरे को ऐसी गाली पड़ेगी यार। तो दोस्तों एजेंट का मामला होता है आप पे खुद पे डिपेंड, पता है कैसे? अब देखो आप जहां मर्जी से हो, आप से पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से, नेपाल से, भारत में हरियाणा से हो, पंजाब से, गुजरात से, जहां कहीं से भी हो, आपकी सराउंडिंग में 100-150 किलोमीटर 200 किलोमीटर के अंदर अंदर आप देखो हर एक सिटी में पास की जाओ, वहां पे विचार लो एजेंट्स के, मतलब जैसे बहुत सारे एजेंट है, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, उसका वो जो भी आपको वो परफॉर्मा दे वो लेके आओ साथ में, उसमें ये देखो भाई हाँ इस बंदे ने ये बात बताई, इसने ये बात बताई, उस हिसाब से आप एजेंट डिसाइड करो दोस्तों। ये बहुत जरूरी चीजें हैं, आप खुद एक्सपीरियंस करो ना, आपको सीखने को बहुत मिलेगा, बहुत सीखने को मिलेगा, ये बेस्ट होता है एजेंट ढूंढने का तरीका। और मैं यार मैं नाम नहीं ले सकता, मैंने किससे लगाई, वो भी गुड़गांव से लगाई थी मैंने, मेरी कंपनी थी वो बिल्कुल IDP की तरह थी, जो ना फंड्स करवाते ना गैप कवर करवाते, बिल्कुल जेन्युइन प्रोफाइल होती है, वो प्रोफाइल करते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा, उसके बाद में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं जी कैश पे जॉब कर सकते हैं क्या? 101% कर सकते हो कैश पे, बट कैश पे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कैश में लोग पैसे खा जाते हैं कई बार, सभी नहीं, कोई होते हैं 5-10% लोग वो खा जाते हैं, वो पैसे नहीं देते, आपके पास कोई प्रूफ नहीं, आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, समझ गए बात? तो कैश पे जॉब होती है, बट साथ में एक चीज ये भी होती है, कैश पे आपको डॉलर्स कम मिलेंगे, अगर ABN पे TFN पे आप 30 ले रहे हो तो कैश पे कोई 20 दे देगा, 21 दे देगा, 18 दे देगा, इसी हिसाब से होता है, समझ गए बात? अच्छा, उसके बाद में यार जो जुलाई के बाद का सीन है, लोग पूछ रहे हैं अभी जुलाई के बाद में आप 24 घंटे में कैसे काम चलाएंगे, आप उबर कर लेंगे, बहुत सभी लोगों के आइडिया आ रहा है उबर कर लेंगे हम। तो देखो दोस्तों उबर का ये सीन होता है, उबर में उबर ईट्स है ना, उसके अंदर आवर्स काउंट होते हैं, आपने कितनी घंटा उबर ईट्स करी, तो वो उसके अंदर आवर्स काउंट हो गए तो 24 से ऊपर हो गए तो उसमें भी दिक्कत आ जाएगी। अदरवाइज आप ABN पे, ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर पे कोई भी काम कर रहे हो, कहीं और कोई कंपनी में या कोई वेयर हाउस में या कोई वैन चला रहे हो मेरी तरह, या कोई ट्रक चला रहे हो, उसके अंदर आवर्स काउंट नहीं होते, कुछ काउंट नहीं होता, बट उबर पे काउंट होते हैं। तो दोस्तों उबर आप कर सकते हो 24 घंटे, जो जिस भाई को ये है ना भी हाँ मैं पूरे दिन रात उबर करके पैसे कमा लूंगा, तो दोस्तों नहीं होगा ये, आप ट्राई करोगे यहाँ पे आगे, जैसे हम सारे करते रहते हैं, आप यहाँ पे आगे ये भी ट्राई करोगे भैया, एक जॉब अपने को कैश पे मिल जाए, कोई दूसरी जॉब मिल जाए अपने को ABN पे या TFM पे, TFN पे सिर्फ 24 घंटा ही कर पाओगे, ये सीन भी है। अच्छा दोस्तों एक चीज ये भी, अब जो भी लोग ये पूछ रहे हैं ना अभी, बाद में खर्चा निकल जाएगा क्या या नहीं निकलेगा भी, फीस आपकी जैसे 12-13 लाख रुपए है कोई भी कोर्स की, साल की 15 लाख है, 16 लाख है, वो निकल जाएगी नहीं निकलेगी? तो दोस्तों यार सच्ची बात ये है, अभी जुलाई के बाद का अभी हमें भी नहीं पता, जो यहाँ बैठे ना वो भी कंफ्यूज हैं,
भी कैसे क्या बनेगा क्या नहीं होगा, क्योंकि सारी मार्केट ऊपर नीचे होगी, जो पैसे हमें मिल रहे हैं अभी वो भी कम भी हो सकते हैं ज्यादा भी, तो दोस्तों उसका कुछ नहीं कह सकते। बट यूं अभी इतनी फीस मैं नहीं मानता भी निकल जाइए आपकी उस टाइम, अगर 24 घंटे रहे तो या कैश पे कर लिया तो, अगर आप मेहनती हो बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हो तो आप फीस निकाल लोगे सब कुछ कर लोगे, बट बैक टू होम पैसे नहीं भेज पाओगे, ये भी दिक्कत हो जाएगी आपको। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको यहाँ पे आने के बाद में बहुत सारी चीजें समझ में आएगी, हाँ ये होता है ये होता है, समझ रहे हो बातें। अच्छा उसके बाद में जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं दोस्तों यूनिवर्सिटी के लिए भी, मेरी यूनिवर्सिटी ये है इसमें वीजा आएगा कि नहीं आएगा, देखो एक बात बताता हूँ आपको मैं, वीजा आता है या तो लेवल 1 यूनिवर्सिटी का, जैसे डेक्कन होगी, लाट्रोब होगी, RMIT होगी, ये कुछ एक यूनिवर्सिटीज हैं, या ग्रुप 8 की यूनिवर्सिटीज जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, मोनास यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इनके वीजा बहुत कम रिफ्यूज होते हैं। अदरवाइज लेवल 2 के या कॉलेजेस के बारे में जो पूछ रहे हैं बंदे, उनके यार भी चांसेस होते हैं 50-50 होते हैं, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, समझ गए। अच्छा एक चीज ये जो सबसे ज्यादा ये पूछ रहे हैं यार, ट्रेड कोर्स लेके हम इंडिया से आ जाएं, तो दोस्तों उसके अंदर वीजा सक्सेस रेट बहुत ज्यादा कम है ट्रेड कोर्सेज के अंदर भी, आप उनको ये लगेगा भी हाँ ये बंदा यहाँ पे पैसे कमाने के लिए आ रहा है, यहाँ पे रहने के लिए आ रहा है, इसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, समझ गए बात। तो दोस्तों डिप्लोमा में वीजा बहुत कम आते हैं, डिग्रीज में ज्यादा आते हैं, चाहे वो मास्टर्स हो चाहे बैचलर्स हो, समझ गए बात। अच्छा उसके बाद में गैप, ओ भाई इतने क्वेश्चन गैप के लिए यारो, देखो दोस्तों गैप का सीन ये होता है भी, आप जैसे 12th करी आपने 2021 में, तो यार 2021 के बाद में आपका 2 साल का गैप हो गया, उसके अंदर अब आप यहाँ पे तो ये तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये बोलेंगे भी आपके पास गैप का क्या है जस्टिफिकेशन, उसमें ये मतलब नहीं आपने पढ़ाई की है, उस गैप में आपने चाहे तैयारी की है कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी की, उसके आपके पास सारी भी रिसिप्ट होनी चाहिए, जो आपने कोचिंग लगाई उसकी होनी चाहिए, आपका एडमिट कार्ड दोस्तों आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए उसका प्रॉपर, वो सारी चीजें होनी चाहिए, तो आप वो गैप जस्टिफाई कर सकते हो भाई हाँ मैंने ये काम किया। ये कोई जरूरी नहीं है पढ़ाई, आप कहीं घूमे हो, आपने ट्रेवलिंग की है, आपके पास उसकी पिक्चर सब एक चीजें होनी चाहिए, एजेंट्स को ये चीजें पता नहीं है यहाँ पे आने के बाद में, मेरे को भी पहले नहीं पता थी, अगर आपसे कुछ ही आपने एक्सप्लोर किया है, आपने ट्रेवलिंग की है, आपने गेम खेला है, उसके प्रूफ होने चाहिए डेट शीट आपके पास, वो गैप आपका कवर माना जाएगा, गैप का होता है ये सीन दोस्तों। और जुगाड़ से जो बनवाते हैं आपको पता ही, जुगाड़ वाला सीन तो आपको पता ही है कैसे लोग बनवा रहे हैं, वो चलने को चल भी जाते हैं नहीं चलने को नहीं भी चलते यार, उनकी 50-50 होती है, सीधी सी बात ये है दोस्तों, मैं आपको भ्रम में नहीं रखना चाहता, जो बातें हैं क्लियर कट हैं ओरिजिनल हैं, 50-50 है, बनगी बात तो बनगी, नहीं बनी तो रह गए फिर ये चीजें। अच्छा उसके बाद में है जी कोर्सेज जो PR के अंदर है, अब यार लोगों को ये बड़ा तगड़ा कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोग MBA में आते हैं वो PR में नहीं है दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये, मास्टर्स वाले बैचलर्स में आते हैं, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, ये जो नॉर्मल कोर्सेज होते हैं ये नहीं होते, देखो PR का मेरे को जो पता है ना वो तो होता है एक तो नर्सिंग का, या आपका कोई इंजीनियरिंग का कोर्स है वो, या आप ट्रेड कर रहे हो वो, ये चीजें PR के अंदर हैं, बाकी यारो फॉर्मेलिटी है बस, तो इनका फीस लेने का तरीका है, वो फीस देनी पड़ेगी आपको 6 महीने की। तो हाँ अलग अगला क्वेश्चन, लोग कह रहे हैं हम 6 महीने की फीस देने से पहले कोर्स चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसका चक्कर होता है जी आप कर सकते हो, सिटी भी चेंज कर सकते हो आते ही, कोर्स भी चेंज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट चीज ये है भी आप अगर फीस रिफंड करवाते हो उसमें कई बार दिक्कत आ जाती है, चेंज करो कोई दिक्कत नहीं, फीस पड़ी रहने दो, जो लग गए वो लग गए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती, मास्टर्स वाले भी कर सकते हैं, मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है वो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो चेक कर लेना, उसके अंदर मैंने सब चीजें बताई हैं। अच्छा उसके बाद में रीजनल एरियाज, दोस्तों रीजनल एरिया के अंदर भी अब लोग पूछ रहे हैं ब्रिस्बेन बेस्ट है, मेलबर्न बेस्ट है, पर्थ बेस्ट है, क्या बेस्ट है, तो देखो दोस्तों रीजनल एरिया में पर्थ सबसे बेस्ट है फिलहाल, दूसरा है एडिलेड भी बेस्ट है, मेलबर्न के पास देखना जीलोंग आ सकते हो आप, और नॉर्दर्न टेरिटरी में जाना है एलाइन स्प्रिंग्स जा सकते हो, डार्विन जा सकते हो, ये सारे रीजनल में है, यहाँ पे PR थोड़ी चौकी है, काम थोड़ा कम है, फीसें भी थोड़ी सी कम ही मिलेगी एज कम्पेयर टू मेलबर्न और सिडनी और ब्रिस्बेन, समझ गए, ये रीजनल एरिया का हो गया दोस्तों। अच्छा फ्यूचर COE का आप कई बंदों ने ये पूछ रहा था, फ्यूचर फ्यूचर से क्या COE का क्या खर्चा है, खर्चा जी $1,200 होता है, वो फ्यूचर COE मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक सिंपल क्वेश्चन था बीच में। अच्छा उसके बाद में सबसे मतलब जो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला था, अर्निंग्स आफ्टर जुलाई, अब जुलाई में रूल चेंज हो जाएंगे, उसके बाद में अर्निंग क्या होगी, उसका सीन है जी, अर्निंग का पता नहीं भी, आप खर्चा निकाल सकते हो अपना, रहने सहने खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं, आराम से घर पे भी भेज सकोगे, बट मेहनत आपको भाई ज्यादा करनी पड़ेगी, कैश पे जॉब ढूंढनी पड़ेगी, एक तो सबसे पहले भी आपको हार्ड कैश मिले उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई
एबीएन कोई टीएफएन नहीं है, समझ गए? वो एक एबीएन पे आवर्स काउंट नहीं होते, एक्सेप्ट उबर ईट्स कर रहे हो या उबर एक्स कर रहे हो, उसके अंदर आवर्स कैलकुलेट होते हैं, एबीएन पे होते हैं वो भी, ठीक है दोस्तों। अच्छा उसके बाद में कोर्स चेंज वाला आपको बता दिया कभी कर सकते हो। हाँ ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, जिस किसी ने भाई बंधु ने किसी ने पूछा है, आर्ट्स वाले नर्सिंग कर सकते हैं क्या? देखो दोस्तों सबसे मेन चीज है आपका वीजा, इंडिया से आप रेलेवेंट कोई कोर्स लेके आओ, यहाँ पे पहुंच गए उसके बाद में आपके पास 7 ईच बैंड स्कोर होना चाहिए, आपका बैकग्राउंड स्टडी कुछ भी हो, आप नर्सिंग यहाँ पे कर सकते हो, नो इश्यू है, 101% श्योर हूं मैं इसके लिए, आप नर्सिंग कर सकते हो इंडिया से कोई भी रेलेवेंट कोर्स लेके आओ आपके 12th के या ग्रेजुएशन के, उसके बाद में यहाँ पे आपके पास इंडिया से लेके आ जाओ यहाँ पे ले लो बैंड 7 ईच, आप नर्सिंग कर सकते हो, ठीक है। स्पाउस वीजा सबसे बेस्ट है दोस्तों, सबसे बेस्ट। एक बंदा पढ़ेगा, दूसरा बंदा वर्क परमिट लेगा, काम करेगा, पैसे कमाएगा, मस्त जिंदगी सेट, कोई चक्कर नहीं। इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं दोस्तों मैं, इसके अंदर सारा कुछ नहीं बता सकता, लंबी हो जाएगी वीडियो। उसके बाद में ट्रेड कोर्स में डायरेक्ट वीजा नहीं आता दोस्तों, मैंने आपको बता दिया, बहुत रेयर आता है, और कॉलेजेस का वीजा भी बहुत रेयर आता है। अच्छा इसके बाद में बेस्ट टाइम होता है आने का, बहुत लोग पूछते हैं 12th के बाद में या ग्रेजुएशन के बाद में, तो बेस्ट टाइम है दोस्तों 12th के बाद में, क्योंकि आप इंडिया में 3 साल तक जब तक ग्रेजुएशन करो ना, इतने में 3 साल में यहाँ पे बहुत बहुत कुछ सीख चुके होगे और आपको ये पता होगा भी हाँ क्या चीज किस हिसाब से किस ढंग से करनी है, बेस्ट है पहले आना। अच्छा उसके बाद में ड्यूरिंग स्टडी भी आप स्टडी करिए उस टाइम अर्निंग, देखो यारो अर्निंग होती है कोई दिक्कत नहीं है, अब जैसे हम कर रहे हैं हमारी अर्निंग ठीक है फिलहाल, क्योंकि वो रूल अभी तक कुछ नहीं, अभी आप जितना मर्जी काम करो कोई दिक्कत नहीं है, बट रूल लगने के बाद का सिनेरियो कुछ अलग होगा दोस्तों, उसमें भी अर्निंग कम हो सकती है, ये चीज भी है। अगर कैश पे जो मिल गई तो बढ़िया है, नहीं मिली तो कम ही होगी, नॉर्मल सी बात है। अदरवाइज आप एबीएन पे कर रहे हो तो भगवान ने अगर कोई दिक्कत नहीं आई तो आप अर्निंग कर सकते हो, अगर उन्होंने ये भी कह दिया एबीएन पे भी आवर्स कैलकुलेट करने का कोई सीन बना दिया तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे क्वेश्चंस के जवाब हो गए दोस्तों। अब एक चीज है, अभी मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बना सकता, फायदा नहीं होता इसमें, मेन चीज ये है जो क्वेश्चंस बच गए लाइक ट्रक वाली बातें, लाइसेंस और जैसे स्टडी वीजा खर्चा, आईलेट्स पीटी, तस्मानिया जो ढूंढने, ये सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हैं, उन सभी का रिप्लाई मैं करूंगा यारो आगे वाली वीडियो में, जो 2-3 दिन के अंदर मैं बना दूंगा उसके अंदर। बाकी दोस्तों अगर और जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने पूछो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, मैं आपके लिए टाइम निकाल रहा हूं, चाहे कैसे निकालो वो मेरी टेंशन है, आप पूछो मैं आपका रिप्लाई दूंगा, आज नहीं कल नहीं तो 4 दिन बाद में जरूर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो के थ्रू दे दूंगा। भी एक चीज यारो कमेंट्स में भी आप जब क्वेश्चंस पूछते हो चाहे कमेंट्स में पूछो चाहे मैसेज में पूछो, ये मत बोला करो चाहे हेलो भाई कैसे हो क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो क्वेश्चन है राइट किया आपको चाहिए जवाब, फॉर्मेलिटी का कोई चक्कर नहीं है दोस्तों भी, हाँ भाई मेरे को आप बढ़िया बोलोगे हेलो आई बोलो तो ही मैं जवाब दूंगा, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, ग्राउंड टू अर्थ बंदा हूं, जो बात है वैसी है, कोई बेधड़ाक कुछ करो है वैसी बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। बाकी दोस्तों बहुत 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 शुक्रिया मेरे यार, आपका बहुत बढ़िया प्यार मिल रहा है मेरे को, मैं बता रहा हूं बहुत बहुत शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया, मिलते हैं आगे वाली वीडियो के साथ, जय श्री राम एंड जय हिंद दोस्तों।